ब्लड से रिलेटेड किए जाने वाले स्टडीज़ को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ और टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ये सीखने को मिलता है। ऑल दो सभी बायोलॉजी स्टूडेंट को इस बारे में पता होता है, लेकिन दोस्तों हम इस फील्ड में अपना करियर कैसे बना सकते हैं ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, इसके बारे में कम जानकारी होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप हेमेटोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं और वो कौन से दोस्तों डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जान चुके हैं कि हेमेटोलॉजी ब्लड की स्टडीज़ को कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इस कोर्स में आपको डिफरेंट टाइप के ब्लड डिसऑर्डर्स और कैंसरस डिसीज़ जैसे कि ल्यूक्यूमिया जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में भी सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आप दोस्तों इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों यूजी पीजी की अगर हम बात करें तो हेमेटोलॉजी काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कोर्सेज में आपको एमबीबीएस, एमडी, डीएम, पीएचडी जैसे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट हेमेटोलॉजी में डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये हाई क्लास कोर्सेज अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप इन ये डिप्लोमा कोर्सेज़ को कर सकते हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो कोर्स होता है वो हम सभी जानते हैं एमबीबीएस होता है, जो कि आप कर सकते हैं दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू या एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के बाद। इसके अलावा दोस्तों एमडी होता है जो कि एक पीजी कोर्स होता है, एमबीबीएस स्टूडेंट दोस्तों इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। डीएम होता है दोस्तों, ये एमडी के बाद कोर्स किया जाता है, और इसके अलावा पीएचडी का कोर्स होता है। हालांकि ये वो कोर्सेज हैं दोस्त जो आपको एमबीबीएस के बाद ही देखने को मिलेंगे, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया एमबीबीएस होता है इनके लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो इसमें शामिल हैं डिप्लोमा इन इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं एकेयू पटना से, जिसको कराते हैं आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दोस्तों ऐसा ही कोर्स आप कर सकते हैं एक लव यूनिवर्सिटी से, और इसी कोर्स को दोस्तों कराते हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान। एमबीबीएस के बाद दोस्तों अगर हम होने वाले कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल के होते हैं। तो इन कोर्सेज को भी दोस्तों आप कर सकते हैं और आगे एमबीबीएस के बाद पीजी डिप्लोमा करके अपने करियर को और ज़्यादा एक अच्छी उड़ान दे सकते हैं या एक अच्छा पाथ दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमने बात की ऐसे कोर्सेज़ के बारे में जो कि आप कर सकते हैं हेमेटोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए। वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।